जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल गोल्स या फिर SDGs के बारे में। तो ये 17 सस्टेनेबल गोल्स है, इसकी हम फटाफट ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहला है नो पॉवर्टी एंड देन जीरो हंगर एंड देन गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, क्यों? क्योंकि अगर जीरो पॉवर्टी होगी यानी नो पॉवर्टी होगी तो इंसान के पास खाना होगा, अगर गरीबी नहीं होगी तो इंसान के पास खाना होगा, और अगर इंसान को खाना होगा मिलेगा तो उसकी हेल्थ और वेलबींग अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो नो पॉवर्टी जीरो हंगर एंड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इंसान की गरीबी खत्म हुई तो उसको भूख लगेगी, वो अच्छा खाना अफोर्ड कर सकता है, और जब अच्छा खाना अफोर्ड कर पाएगा तो उसकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और उसका वेलबींग भी अच्छा हो जाएगा। तो 1, 2, 3 ऐसे में याद हो गया, ठीक है? अब देखो, गुड हेल्थ एंड वेलबींग कनेक्टेड है, जैसे ही मतलब हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हमारी गरीबी खत्म हो गई, हमने खाना भी खा लिया, हेल्थ एंड वेलबींग भी अच्छा हो गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाता है? एडुकेशन, राइट? तो फिर इंसान को क्या चाहिए? क्वालिटी एडुकेशन। तो फोर्थ वन इज क्वालिटी एडुकेशन। और जब इंसान पढ़ लिख जाता है यानी उसको क्वालिटी एडुकेशन मिल जाती है तो क्या आ जाता है? जेंडर इक्वालिटी उसको फिर समझ में आ जाता है कि मेल फीमेल सब इक्वल हैं, ठीक है? अब जेंडर इक्वालिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज के टाइम में? सैनिटेशन एंड वाटर। आपको पता है ना, सबसे ज्यादा पानी, अगर अर्बन एरियाज की बात करें, यार ऐसे एरियाज की बात करें जहां पर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, तो वहां पे पानी लाने का काम सबसे ज्यादा फीमेल्स को करना पड़ता है, ठीक है? तो सैनिटेशन का भी बहुत इशू होता है फीमेल्स को। तो गुड, जब क्वालिटी एडुकेशन मिलेगा उससे जेंडर इक्वालिटी आएगी, और जब जेंडर इक्वालिटी आएगी तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, राइट? क्वालिटी एडुकेशन से आएगी जेंडर इक्वालिटी, और जेंडर इक्वालिटी के लिए क्या चाहिए? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। और ये जो क्लीन वाटर है ना, इसको निकालने के लिए जमीन से मोटर चलानी पड़ेगी, और मोटर चलाने के लिए क्या चाहिए भाई? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्या चाहिए? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है? तो अभी तक हमने कितने याद कर लिए? 7। सबसे पहले गरीबी हटाओ, गरीबी हट जाएगी तो भूख मिटेगी तो अच्छा खाएंगे और अच्छी हेल्थ हो जाएगी। उसके बाद चाहिए क्वालिटी एडुकेशन से हमें पता चलेगा अच्छा जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, और जेंडर इक्वालिटी के सबसे इंपॉर्टेंट है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर कहाँ से आएगा? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से, ठीक है? अब ये जो क्लीन एनर्जी है फ्री में तो मिलेगी नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के लिए डिसेंट वर्क करना पड़ेगा, और जब वर्क करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है? तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और जब डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो IIIT हो जाएगा। IIIT क्या? इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? तो जब इतना सारा डेवलपमेंट हो जाएगा, इंडस्ट्री भी आ गई, इनोवेशन भी आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ रहा है, तो इससे क्या होगा? इनइक्वालिटीज कम हो जाएंगी, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, ठीक है? अब इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, गरीबी हट गई, खाना मिल गया, गुड हेल्थ एंड वेलबींग आ गई, क्वालिटी एजुकेशन मिल गई, जेंडर इक्वालिटी आ गई, क्लीन वाटर सैनिटेशन मिल गया, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो गई, डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ आ गया, IIIT इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, और इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो गई, तो इससे क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज बनेंगी, ठीक है? सस्टेनेबिलिटी अचीव हो जाएगी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज बनेंगी, और अगर ये सस्टेनेबल है दैट मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? तो ये सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज क्या करेंगी? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, और जब ये रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन करेंगी तो ऑटोमेटिकली दे विल वर्क फॉर द क्लाइमेट, तो इससे क्या हुआ? क्लाइमेट एक्शन, ठीक है? वैसे क्लाइमेट एक्शन को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, डेवलपिंग कंट्री को बोलती है क्लाइमेट एक्शन तेरा काम है, और डेवलप्ड कंट्री को बोलती है नहीं, क्लाइमेट एक्शन तेरा काम है, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है? अब जब क्लाइमेट एक्शन होगा, यानी जब भी क्लाइमेट की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ओ, बर्फ पिघल रही है, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, सिटीज डूब जाएंगी, लाइफ बिलो वाटर अफेक्ट हो जाएगी, तो सबसे पहले पानी की बात आएगी, तो लाइफ बिलो वाटर, ठीक है? लाइफ बिलो वाटर क्लाइमेट एक्शन के बाद, वाटर के बाद कहाँ जिंदगी? पानी के बाद कहाँ आई थी? लैंड पे आई थी, तो लाइफ ऑन लैंड, ठीक है? पानी में भी बात होगी, लैंड पे भी बात होगी। अब लैंड पे कौन रहता है? इंसान। इंसान क्या करता रहता है? लड़ाई से बचने के लिए क्या चाहिए? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, वहाँ पे पीस और जस्टिस की जरूरत चाहिए, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन चाहिए जो बायस्ड ना हो, ठीक है? और इन सब के लिए क्या होना होगा? पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा, पार्टनरशिप करनी होगी फॉर द गोल्स, राइट? तो एक बार और क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले नो पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, जीरो हंगर, भूख खत्म करो, तो गरीबी हट जाएगी, जीरो हंगर हो जाएगा, तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग आ जाएगा,
गुड एंड हेल्थ एंड वेलबींग आने के बाद सबसे पहले इंसान को चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन से समझ आएगा जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए क्लीन वाटर सैनिटेशन जरूरी है, और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लिए चाहिए अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और क्लीन एनर्जी के लिए चाहिए डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो उससे इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और जब ट्रिपल आई इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल आई, यहाँ पे आई, जैसे ही इनइक्वालिटीज रिड्यूस होंगी तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज बनेंगी, और सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन करेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, और जैसे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन होगा उससे क्या हो जाएगा, क्लाइमेट एक्शन, और क्लाइमेट की बात आती है तो डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग को बोलती है तेरा काम है, डेवलपिंग डेवलप्ड बोलती है तेरा काम है। देन क्लाइमेट एक्शन का ख्वाब आते हैं दिमाग में, सबसे पहले क्या आएगा, लाइफ बिलो वाटर, और लाइफ बिलो वाटर के बाद लाइफ कहाँ जाती है, ऑन लैंड, लैंड पे रहते हैं इंसान, इंसान लड़ते रहते हैं, और लड़ाई से बचाने के लिए चाहिए पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, और ओवरऑल सारी दुनिया को एक साथ आना होगा, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, राइट। ठीक है, तो इस तरह या आप इसको 2 से 3 बार इस वीडियो को देखो, या अपने हिसाब से ऐसे कोई ट्रिक बनाओ और इसको याद करो, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा A4 शीट पे इसको लिख के आप चिपका लो और रोज इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी बहुत काम आता है ये। ठीक है, तो अब फटाफट हम देखते हैं, देखो, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रिपल आई, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ओके, सो थैंक यू सो मच।